आज हम सभी लोग कड़मेश्वर के बाजू में एक बहुत बड़ा तालाब है, उस तालाब के किनारे में आए हैं। संगकाया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भंते प्रसिल जी आज यहाँ पर आए हुए हैं और उनके साथ हम आए हुए हैं। और भंते जी इस परिसर को घूम रहे हैं और जहाँ तक आप लोग देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल और बहुत सुंदर प्लेस है। यहाँ पर सूर्य का रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा आ रहा है और उसमें पानी की जो सूर्य का जो ये प्रकाश है या उसमें छाया बन रही है वो काफ़ी खूबसूरत है और ये काफ़ी सुंदर प्लेस है। आप लोग इसे देख सकते हैं और यहाँ पर बहुत सी जगह जगह पे पहाड़ियाँ, ये सारे पत्थर, इतना ब्यूटीफुल और सुंदर प्लेस लग रहा है और यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये कितना सुंदर जगह है। तो आप सभी लोग इस जगह पे आ सकते हैं और यहाँ पर बंते प्रसिल जी के द्वारा संगकाया फाउंडेशन की तरफ से एक बहुत सुंदर महाविहार भी बनाया जा रहा है जो उस पहाड़ी की तरफ है। और आप सब लोग आइए और इस चीज़ को देखिए, समझिए, जानिए और काफ़ी अच्छा है ये। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं कोशिश करूँगा कि आप सब लोग मेरे साथ आइए। और यहाँ पर हमारे साथ भंते प्रसिल जी हैं। भंते जी, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे, संगकाया फाउंडेशन के बारे में जो कार्य हो रहा है। हम लोग यहाँ एक सेंटर फॉर्म कर रहे हैं, इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर, और उसमें भगवान बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था उसका एक रिप्लिका भी हम लोग बना रहे हैं बुद्धगया का। तो जो लोग बूढ़े हैं या फिर जो लोग नहीं जा सकते समय की व्यस्तता के कारण, तो वह यहाँ हम लोग उसका रिप्लिका बना रहे हैं, प्रतिकृति बना रहे हैं महाबुद्धि महाविहार का। और एक ओल्ड एज होम हम लोग भिक्षु भिक्षुनियों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि जब बूढ़े हो जाते तो कोई करता नहीं है उनका समाज के लोग, तो हम उनके लिए एक ओल्ड एज होम भी बना रहे हैं। मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट हम लोग वहाँ बना रहे हैं, वो पॉजिटिव पेरेंटिंग इंस्टीट्यूट वो भी रहेगा, एक मेडिटेशन सेंटर भी रहेगा। तो आप सब लोगों का ध्यान।